वीडियो में तीन चार जानवर बताएंगे, और थर्ड वन जो लास्ट तीसरा पाड़ा है ये वाला है, देखिए जो बहुत शानदार प्योर ओंगोल के अंदर। थोड़ा इसको चलाइए आप, बहुत 1,01,000। ये 1,000 के है, यानी वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज अजवा कैटल फार्म पर और बहुत ही नायाब कलेक्शन में आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। अब तक भी नॉर्मल आप लोग बुल्स देखे थे जो नॉर्मल कलर्स थे, अभी इम्पोर्टेड बहुत शानदार इनके जेवर के साथ में जानवर बतलाऊंगा। स्पेशली सबसे पहले दियोनी से स्टार्ट करेंगे हम, और यहाँ पर हारिस भाई है अजवा कैटल फार्म के ओनर। अस्सलाम वालेकुम, आपका एड्रेस क्या है? शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद। शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद कहाँ पर? अपने यहाँ पे अवेसी हिल्स है। अवेसी हिल्स जहाँ पर असद साहब रहते हैं, वहाँ पे सामने की गली में। अच्छा, असदुद्दीन अवेसी जो एमपी है हैदराबाद के, उनके घर के बिल्कुल ऑपोजिट वाली लेन में है। ओके, अली भाई की मस्जिद लैंडमार्क लोकेशन है आपका। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एक्जॉटिक कलेक्शन बतलाने वाले हैं आप, जो बहुत शानदार वेटेड और हाइटेड रहेंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो अभी ये जो बुल है आपके पास, क्या एज है इसकी? दो दांत पे है, देख लें, दो पे है। और हाइट लेंथ वगैरह बढ़ेंगे इसके? माशाल्लाह बहुत जाती है जी। तो जो शौकीन स्पेशली आप लोग पालने के लिए या ब्रीडिंग के हिसाब से लेना चाहते हो, तो स्पेशली यहाँ पर आइए, विजिट करके चेक करिए। और ये जो सामान है इसका, ये जो जेवर लगा हुआ है जी, तो ये भी आप जानवर के साथ ही देंगे? ये देंगे नहीं, तो सिर्फ शो भी अगर लेना चाह रहे तो ले सकते। तो मतलब राज क्या है इसका, आप बतला रहे हैं फिर सामान निकाल ले रहे हैं? अलग कोई अगर इंटरेस्टेड रहे तो देंगे, तो इसका प्राइस अलग से रहेगा। अपन यहाँ पे कस्टमर्स को दे रहे भी है। अच्छा, सप्लाई कर रहे हैं आप इसकी, यानी जो अदर कंट्रीज में भी जो लुक वाले एक्सेसरीज आते हैं वो यहाँ पर भी आपके पास भी अवेलेबल है, सारे लुक के अंदर मिल जाएंगे। क्या बात है, हाइट वगैरह इसके देखिए, थोड़ा आगे लाइए इसको, बहुत खूबसूरत। क्या प्राइस रख रहे हैं आप इसका आस्किंग? इसका आस्किंग प्राइस देखो अमर भाई, 1,10,000 पे रख रहे हैं अपन। 1,10,000 आस्किंग प्राइस है, सॉरी 1,01,000। ये 1,000 के है, इसके है भाई, यानी जो खास चीज होती है उसको नेक में देते, तो वैसे 1,01,000 रख रहे हैं आप। और ये जो सामान है पूरा लेदर में बने हुआ है, लोकल रेजिन। अच्छा, लेदर है और स्टोन से ना ये सारे? ये देखिए आप, सारे स्टोन से ये, और बिल्कुल शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसके अंदर। ये देखिए आप, ये नेक बेल्ट भी है, देखिए इसका बेल्ट इसका छोटा है बोलके। अच्छा, कमर का भी बेल्ट है इसका, ठीक है। तो नक्कर वगैरह देखिए इसका, जो हम्प है। और कितने जानवर आप बतलाने वाले हैं इस वीडियो में? तीन चार जानवर बतलाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत मस्ती वाला है और बहुत खूबसूरत जानवर है, हेल्थी भी है, सेहतमंद है। एज ए ब्रीडर या शौक के लिए अपने फार्म पे रखने के लिए आप लोग ले सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत, 1,01,000 इसका आस्किंग प्राइस है। और नेगोशिएबल करेंगे आप इसमें? नेगोशिएबल कितना? 1,000। 1,000 नेगोशिएबल होने वाला है, जो कि सौदा होगा 1,000 को बढ़ देना। अच्छा, जो सौदा होने वाला है 1,000 फिर प्लस में भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, रेलवे ट्रैक भी आपके बिल्कुल बाजू है ना, तो सबसे पहले जो व्यूअर्स है उनको ट्रेन बतला देंगे आपके पास की, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हरीश भाई, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होता कुछ भी, यानी जानवर वगैरह भी डरते करते नहीं? सभी को आदत हो गई आपके साथ। एक और भी आगे देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ पर पीछे। ये है मालगाड़ी, जो लगेज ट्रेन आती है वो भी जा रही। देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा इसकी आवाज़ की वजह से, इस वजह से मैं आप लोगों को रेलवे जो ट्रैक्स है यहाँ पर उसका मज़ा थोड़ी देर के लिए बतला दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट में और कितने बुल्स है आपके पास अभी? और तीन है बड़े वाले इस वीडियो के लिए, वैसे तो बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है। चलिए ये तो होना ही था, क्या बात है, ले आगे ले। नेक वगैरह देखिए बहुत अच्छी बनी हुई है, जो शौकीन है उनके लिए अच्छी चीज़ है। डायरेक्टली आइए, आके विजिट करके चेक करिए आप लोग, और खूबसूरती देखिए इसकी नीचे तक भी। भाई आप थोड़ा साइड में आइए,
चलिए इसके बाद जो है वो दूसरे वो ला लीजिए बाहर। नेक्स्ट में देखिए ये यहाँ पर प्योर ओंगोल है, बहुत ज़्यादा हाइट लेंथ वगैरह इसकी हाइट भी पूछूंगा मैं हरीश भाई से। और ये भी अंडू ब्रीडर है, देखिए हरीश भाई सेकंड में ये वाला जो बुल है आपका जी उमर भाई, क्या हाइट होंगी इसके अंदाजा? देखो उमर भाई 62 हाइट है। 62 हाइट है माशाल्लाह, और बहुत खड़े नक्कर के अंदर है, बहुत बड़ा हम्प है इसका आप देखिए साइज। और जैसे मैं यहाँ पर जो एक्सेसरीज बतलाया था, ये जो सामान है ये इम्पोर्टेड है और अभी अवेलेबल है, यहाँ पर भी मिल रहा है देखिए बहुत खूबसूरत सामान के साथ। कितने दांत पे है भी, एज क्या है? उमर भाई 6 दांत पे है। 6 दांत पे है, दांत भी बतला दिया ठीक है। एक अंदाज़ा क्या वेट होगा इसका, क्योंकि ये हैवीएस्ट बुल्स में से है तो क्या वेट होगा एक अंदाज़ा? 9 क्विंटल के आसपास, 900 kgs के आसपास का लाइव वेट है देखिए, और बहुत बड़े हैवी स्ट्रक्चर में। थोड़ा इसको चलाइए आप, बहुत तैयार गर्दन वगैरह देखिए इसकी, जो नेक है और जो नक्कर है इसका बिल्कुल खड़ा, इतना बड़ा रहने के बावजूद भी एकदम टाइट स्टिफ। अभी ये है आपके पास सेल के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो गया हमारे भैया। ये सोल्ड हो गया माशाल्लाह, सिर्फ क्वालिटी बतला रहे हैं आप इसकी, जो पहले वाला था वो सेल के लिए है। एक ब्लैक अंगूल है और एक ब्लैक अंगूल भी है आपके पास, ज्यादा हाइट में है, थोड़ा वजन में कम रहता। अच्छा, इससे और ज्यादा हाइट है लेकिन वेट के अंदर कम है। लेकिन इसकी जो गर्दन वगैरह है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुकिंग के अंदर, साइज देखिए आप इसका माशाल्लाह 900 kgs के आसपास का लाइव वेट है इसका, और चारों पैर वगैरह साफ है, बहुत तैयारी के साथ देखिए सामान वगैरह जेवर लगा हुआ है इसके अंदर। इंडियन बुल्स है जो ओंगोल ब्रीड के अंदर है और आंध्रा तेलंगाना की शान है ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास बोलाइए, और थर्ड वन जो लास्ट तीसरा पाड़ा है ये वाला है देखिए, जो बहुत शानदार प्योर ओंगोल के अंदर हाइट लेंथ वगैरह देख सकते हैं आप इसकी भी, और डार्क शेड में है। इसके अंदर भी देखिए वही कलर्स वाले जेवर लगे हुए हैं, जो चेहरे के ऊपर सबसे मेन जैसे आप फेस का एक पट्टा बोल सकते हैं, इसके अंदर नेक का एक बेल्ट है और ऊपर हम्प का एक है जो नक्कर का था, और स्टमक बेल्ट एक है। हरीश भाई क्या एज है इसकी? देखो भाई 4 दांत पे है। 4 दांत पे है अभी, 64 हाइट है और सिर्फ 4 दांत पे है। लेकिन अभी तो हाइट नहीं बढ़ेंगे ना? क्या बोले, अब तो हाइट रुक जाएंगी, परवरिश के ऊपर है, यानी गोल हो सकता है लेकिन हाइट नहीं बढ़ेंगे। तो जैसा पालने वाले शौकीन रहेंगे उस हिसाब से 1-2 इंच सिर्फ कंडीशन की वजह से। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा चलाइए इसको, गोल फिराइए, ये देखिए आप साइज इसका जो नक्कर है हम, और डार्क शेड में है ये भी, कंडीशन भी देखिए एकदम साफ सही है, और ये भी ब्रीडर है अंडू है। हरीश भाई ये जो जेवर है आपके पास ये कितने कलर्स में है? ये देखो भाई 3 कलर में है, इसलिए मैं इसको तीनों ही पहनाया, 1, 2, 3 सॉरी, और एक कलर में है ये। अच्छा, और एक डार्क कलर के अंदर है, तो रेड कलर में है ना दूसरा वाला? क्या प्राइस में अगर सेट देंगे आप किसी को अगर सेट? हाँ, ये मुंह का और ये चाहता है, सिर्फ 2 ही आते हैं एक्स्ट्रा में है, वो लगा लिया नखर को। हाँ हाँ, बतलाने के लिए ठीक है। तो अभी ये सेल के लिए है? हाँ ये सेल के लिए है, ये 2 पीस, 1 और ये 2, 3,500 में दे रहे हैं। 3,500 में सिर्फ 2 पीस दे रहे हैं, जो फेस का बेल्ट है और नेक बेल्ट। सर्विस भी अच्छी है, प्योर लेदर में भी है और स्टोन्स है सारे इसमें। हाँ? क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका आस्किंग प्राइस देखो हमारे भाई 1,45,000 पे, 1,45,000, 1,45,000 आस्किंग प्राइस है। साइज वगैरह देखिए आप, सिर्फ 4 दांत पे है अभी, ये देखिए आप साइज इसका, और बिल्कुल फ्रेंडली है, यानी इतना बड़ा होने के बावजूद भी एग्रेसिव नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है इसके अंदर, देखिए साफ है, हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा है। हरीश भाई की हाइट से भी कंपेयर करके देख सकते हैं आप लोग, 1,45,000 में नेगोशिएबल करेंगे आप? थोड़ा भाई एकदम नहीं के बराबर, क्यों बोले तो मार्केट के रेट आप भी देखे हुए जी, यहाँ ला के दे रहा हूँ ये रेट बिल्कुल। और सारे बुल्स का कलेक्शन है, मैक्सिमम नॉर्मल भी आपको मिल जाएंगे ना, यानी छोटे साइज के भी बुल्स मिल जाएंगे, कोई भी ब्रीड के अवेलेबल हो जाएंगे, कलरफुल बुल्स भी आपके पास मिलेंगे ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
मगर